हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। भारत की पहल पर दुनिया भर में 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश इसके लिए बड़ा आयोजन करने में जुटे, तो वहीं पीएम मोदी भी योग दिवस को लेकर तैयार। बुधवार को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर त्रिकोणासन का वीडियो साझा किया, जिसमें उनका एक 3D वर्जन कार्टून त्रिकोणासन कर रहा है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, 21 जून को हम सभी योग दिवस मनाएंगे। मैं हर किसी से आह्वान करता हूं कि वे योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। लोकसभा चुनाव 2019 में बहुमत हासिल करके बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई और इसी को लेकर बीजेपी अपने चुनावी वादों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को इसका मंत्री नियुक्त किया गया। चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में खून खराबा जारी, कूच बिहार और उत्तरी दमदम में 2 टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव का माहौल और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबर। वीरवार को ममता बनर्जी मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगी। मंगलवार रात उत्तरी दमदम नगर पालिका के वार्ड 6 अध्यक्ष और टीएमसी नेता निर्मल कुंडू को गोली मारकर दिया गया था। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, लापता विमान की तलाश अभी भी जारी। तलाशी के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से C-130J हेलीकॉप्टर लगातार हवा में उड़ान भर रहा है। वायुसेना की SU-30, C-130J और 2 MiG-17S विमान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बता दें कि लापता हुए विमान AN-32 के आधुनिक एवियोनिक्स रडार या आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर नहीं थे, जिसकी वजह से विमान की तलाश में देरी हो रही है। ईद के पाक दिन भी कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के नापाक मंसूब जारी रहे। पुलवामा में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने सेना की गश्ती दल पर पथराव किया, वहीं पुंछ में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। इन दोनों ही घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। उधर पुंछ में LOC पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग करते हुए भारतीय इलाकों को निशाना बनाया। गोलीबारी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं, भारतीय सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हरियाणा सरकार ने भर्तियों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने बुधवार को आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी EBPG को वापस ले लिया है। इन पदों को सामान्य वर्ग का मानकर भरा जाएगा। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर ये फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाने लगा है, ऐसे में अब अलग से EBGP कैटेगरी के तहत आरक्षण दिए जाने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने जाट समेत 6 पिछड़ी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण पर रोक लगा रखी है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सीएम मनोहर लाल ने हिसार में लोगों का किया अभिनंदन। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में भी कड़ी मेहनत करने की दी नसीहत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2019 के नतीजे जारी कर दिए। इस साल NTA NIT परीक्षा में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में फरीदाबाद के स्वास्तिक भाटिया ने पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया। स्वास्तिक ने टॉप 5 में जगह बनाकर अपने शहर का ही नहीं बल्कि देश में हरियाणा का भी नाम रोशन किया। साथ ही स्वास्तिक भाटिया के छोटे भाई ने भी इस परीक्षा को पास किया। बता दें कि दोनों भाइयों ने एक साथ नीट का एग्जाम दिया था। इस खुशी में परिजनों ने मिठाई खिलाकर बच्चों को बधाई दी।
प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में। मामला कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 में रहने वाली महिला डॉक्टर की हत्या का। 2 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई थी मौत। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आरोपी की मृतिका के पति और ससुराल पक्ष ने ही डॉक्टर प्रीति कौशल की हत्या की। पोस्टमार्टम न करवाने की बात कहकर अंतिम संस्कार करने का भी बनाया दबाव। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। जींद में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा जींद के गांव तलोट खेड़ी के पास हुआ। उस वक्त हुआ जब कार और ट्रॉला के बीच जोरदार टक्कर हुई। कार सवार लोग यूपी में ईद मनाकर वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत ने बुधवार को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट का विजयी किया आगाज। भारत को हालांकि ये जीत आसानी से नहीं मिली। टीम इंडिया को 228 रनों का लक्ष्य मिला जिसे वो संघर्ष करते हुए 47.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर सकी। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने नाबाद शतक बनाया। उन्होंने 144 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 122 रन की पारी खेली। रोहित ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और जिससे उन्हें बाद में फायदा भी मिला। उनके जोड़ीदार शिखर धवन भारत की तरफ से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। कप्तान विराट कोहली भी गेंद को बल्ले पर सही तरीके से लेने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए।